सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे। कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में सोवे कचहरी में जागे। मर जी रहा है गवाही में ऐसे, है तांबे का हंडा सुराही में जैसे। होते हुए लाल बिहारी से लाल बिहारी मृतक कैसे हो गए, ये क्या था संघर्ष, कैसे उसे उभरे, जीवित कैसे हुए, कुछ जिंदा कैसे हुए? देखिए, मेरा जन्म 6 मई 1955 का है जी, और मैं बचपन हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरा पालन पोषण मुबारकपुर अमीलों में हुआ था। वहाँ हम बनारसी साड़ी में चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते थे और लगभग मेरी उम्र हो गई होगी 20-21 वर्ष के लपेट में। तो मुझको कारखाना लगाना था, तो लोन लेने की आवश्यकता पड़ी। तो जब मैं बैंक गया तो मुझसे रिकॉर्ड मांगा गया जमानत के लिए खतौनी का। तो जब मैं लेखपाल के पास गया तो पता चला कि 30/7/1976 को मृत हो गया हूँ। ये बात सुनकर मुझे बहुत आघात पहुंचा और बड़ा अटपटा लगा। फिर मैं उस दिन कुछ नहीं कहा, वापस चला आया, लेकिन जिससे मैं पूछता था तो वो पहले हंसता था, अरे भूत है, शैतान है, मृतक है। तो ये बात सुनकर मुझको बहुत कष्ट होता था कि आखिर मैं अपनी पीड़ा किसी से बता रहा हूँ, वकील के जा रहा हूँ वो भी हंस रहा है जी, अन्य लोगों के जा रहा हूँ वो भी हंस रहा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जिनको लोग बुद्धिजीवी कहते हैं उनके यहाँ मैं जा रहा हूँ तो भी हंस रहा है। पहले अरे आइए आइए, फलाने आइए, देखिए हमारे भूत आ गया, मृतक आ गया, शैतान आ गया। तो इस तरह से सिलसिला जब चलता रहा तो मुझको एक जिद सा हो गया कि मैं एक इंसान हूँ और जीते जी मुझे मार दिया गया है तो मैं कैसे जिंदा हूँ। तो जब मैं न्यायपालिका का शरण लिया, गया वहाँ वकीलों से राय लिया, तो पता चला कि मेरे इससे बहुत लोग हैं जिनकी धोखाधड़ी करके और उनकी जमीन जायदाद को हड़प लिया गया है, उनको मृतक दिखा दिया गया है। मैं कहा ऐसी बात कहाँ है, मैं कहा कि अगर मैं मका इसके अलावा कोई रास्ता, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आपको मुकदमा करना होगा। तो मैं कहा अगर मुकदमा करूंगा तो कम निगड़ होगा। तो कहा भाई इसका कौन बताएगा कब होगा, आपको तहसील से लड़ना शुरुआत करना पड़ेगा, तहसील है, चकबंदी है, फिर वो DM की यहाँ है, कमिश्नर की यहाँ है, फिर हाई कोर्ट है। मैं कहा तो मैं मर जाऊँ, कहा मर सकते हैं। तो मैं कहा मैं जिंदा कैसे हो जाऊँगा, तो कहा कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उस समय ठान लिया कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगा, मैं संघर्ष के बल पर अपने आप को जिंदा साबित करूँगा। तब मैं धरना प्रदर्शन और रैली इस तरह से अनेक काम किया, मतलब उस समय मीडिया हमको सहयोग दी। शुरू में मीडिया, मैं अपने चचेरे भाई का अपहरण किया था, अच्छा इसलिए अपहरण किया था कि मुझको मुलजिम बना देंगे, मैं जिंदा हो जाऊंगा। अच्छा, जीवित साबित करने के लिए? हाँ, इसीलिए मैं अपहरण किया था। उसमें बड़ा कुल खेल हुआ। फिर एक हमारे यहाँ के पत्रकार थे, स्वतंत्र भारत के उस समय थे जी, और एक उर्दू, एक लखनऊ कोई उर्दू पेपर था, वहाँ के एक मुस्लिम थे, तो वो लोग कहे कि यार तुम बेटा एक काम मत करो, तुम अपराधी लाइन में आ जाओगे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ अनाथ हो जाएगी, तुम्हारी औरत बेकार हो जाएगी, तुम मुलजिम बन जाओगे और पुलिस वाले मारकर पहले हाथ गोड़ तोड़ देंगे, और जो बाद में क्या होगा, जिंदा होना है या मुर्दा होना तो अलग चीज़ है। तो फिर मैं उन्हीं लोग समझाने से उस लड़के को 7 दिन के बाद वापस कर दिया, उसको मतलब कपड़ा अपना नया सिलाने के बाद वापस कर दिया। फिर इसी तरह से, अच्छा उनको कपड़े सिला के नए भेजे? नहीं नहीं, उसको पूरा नया कपड़ा सिलाने के बाद उस कपड़े को मैं ले गया था एक बकर कसाई के पास। अच्छा, उससे कहा भैया इसको खून में रंग दो। अच्छा, तो कहा कि क्यों रंग दें, मैं कहा कि अरे यार जरूरत है, कहा कि नहीं जरूरत है बताओ तो, मैं कहा कि अरे जरूरत है, तो कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं रंगेंगे। तो कहा मुर्गा अपना लेकर, मुर्गा का अपना खून लगा लो। मैं वही तरीका किया लेकिन काम नहीं चला, मेरे खिलाफ रपट नहीं हुई, फिर हमारे घर वाले नहीं किए, फिर मैं उनको वापस कर दिया। तो इस तरह से लड़ाई हमारी बहुत लंबी चली, अपने पत्नी के नाम विधवा पेंशन भरा, तो उसमें जांच हुई तो वो उसमें रिपोर्ट उन्होंने लिख दिया, उसने न मुर्दा लिखा न जिंदा लिखा, उसने कहा कि प्रार्थनी के मांग में सिंदूर है।
अच्छा इतना ही लिखकर फिर उसके बाद मैं चुनाव लड़ा 1988 में इलाहाबाद से, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दिए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ। हाँ, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, हम थे, कांसीराम थे, धरती पकड़, उसमें करीब लगभग 60 लोग थे जी। ओ, तो उसमें चुनाव लड़ा, उसमें बड़ा कुल हंगामा हुआ, फिर उसमें भी नहीं जिंदा हो पाया। फिर 1989 में आपका नॉमिनेशन दाखिल हो गया था। मैं तो अभिलेख में था ना, भू राजस्व अभिलेख में, तहसील के अभिलेख में, हर जगह मैं जिंदा था। फिर उसके बाद मैं 89 में लड़ा स्वर्गीय माननीय राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी सुल्तानपुर से, वहाँ पर्चा भरा, फिर उसमें भी बहुत ड्रामा हुआ, नहीं जिंदा हुआ। मैं हाई कोर्ट में स्वयं कोर्ट नंबर 5 में जाके बहस किया था, स्वयं खड़ा होकर, कि यदि मैं जिंदा हूँ तो चुनाव कराया जाए, यदि मुर्दा हूँ तो चुनाव को स्टे कर दिया जाए। तो राजीव गांधी का मैटर था, तो उसमें भी नहीं हुआ। इस तरह से बहुत से विधानसभा में 9 सितंबर 1986 में मैं विधानसभा में पर्चा फेंका, हंगामा किया, उसमें सारी कार्रवाई हुई, कितने लोग सस्पेंड कर दिए गए। अच्छा, लेकिन मेरा नाम नहीं दिया गया है, उस आज भी लाइब्रेरी में दर्ज है कि एक युवक द्वारा विधानसभा में हंगामा अव्यवस्था पैदा की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि ये आदमी है या शैतान है, ये भारत का है या पाकिस्तान का है, कहाँ का, अभी नहीं, अभी नाम नहीं दर्ज, उसी तो लाइब्रेरी में है। और जीवित मृतक के संबंध में 2 बार माननीय श्री जगदम्बिका पाल, उस समय MLC रहे, तो 2 बार प्रश्न उठाए थे विधान परिषद में। एक नेता में वो एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि इस मैटर को उठाए। फिर उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ा और मीडिया के लोग तब भरपूर सहयोग करना शुरू किए, समाचार पेपरों में छपना शुरू हुआ, मैं अधिकारी हुआ, दौड़ना शुरू किया। लेकिन लड़ते 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 बहुत से 56 घंटे का भूख हड़ताल किया था वोट क्लब नई दिल्ली में। तो इस तरह के सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद तो 30 जून 1994 को अपने आप को जिंदा हो गया। तो किसी जज को आपने गाली वाली दे दी थी, सुना था कि आपको सजा कर दे दे वो जिंदा मान के? नहीं नहीं, गाली तो नहीं दिया था। कोर्ट नंबर 5 में जो मैं जब राजीव गांधी के खिलाफ जब चुनाव लड़ा था, तो मैं उसमें हमारे वकील कहे कि इसमें हम नहीं बहस करेंगे, तो वकील साहब से मैं कहा भाई नहीं बहस करेंगे, मुझे खड़ा कर दीजिए आप। तो मैं गाली तो नहीं दिया था, लेकिन कड़े शब्दों में जी अपनी बात कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए, मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाए, मैं जेल में चला जाऊं तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन वो पानी पीते रहे। अच्छा, और वो मुकदमा को खारिज कर दिया कि आगे जाएं जी, तो वहां भी मैं फेल हो गया। मतलब आज तक और अपने साथ साथ कई हजार लोगों को मैं जिंदा कराया हूँ। एक बार तो आपने कोई तिरहवीं की थी और वो जो जिंदा लोगों की शव यात्रा आपने निकाली थी। हाँ हाँ, शव यात्रा विधानसभा के सामने मैं निकाला था 2003 में। फिर ब्रह्मभोज तिरही किया था, सामूहिक जितने मुर्दे थे और उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे लोगों को आमंत्रित किया था कि आइए जीवित मृतकों का भोज करिए। तो इस तरह से बहुत से मैं लड़ता रहा। ऐसे कितने लोग होंगे आप उस समय थे या जो आपके साथ शामिल थे इस लड़ाई में? लड़ाई में देखिए, मेरा आज भी मानना, उस समय तो कई हजार तो जिंदा कर दिया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक जनहित याचिका हुआ था, इसमें क्या नाम है, एक टाइम पत्रिका में छपा था जो विदेशी पत्रिका है, उसी को जनहित याचिका में लेकर वो दाखिल किए थे। तो उसके बाद जांच हुई उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश सरकार और मिलकर जांच किए थे, कई 100 लोग जिंदा किए गए। और अभियान में तो कई हजार जिंदा किए गए, जिनका जो लोग रिकॉर्ड में आ गए उनको तो दिखाया गया, जो रिकॉर्ड में नहीं आए उनको छुपा लिया गया है, इसलिए कि अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी होता है उनकी एक जात होती है, वो दूसरे को बचाने में गलती करते रहते हैं। गलतियां इसलिए होती हैं कि बगैर घूस का कहीं काम होता नहीं है, तो एक अधिकारी को, एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए दूसरा अधिकारी उसकी मदद करता है, इसलिए पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। तो अब हर दस्तावेज में आप जिंदा हो चुके हैं। हाँ, मैं तो 30 जून 1994 में जिंदा हो गया। मेरे नाम लाल बिहारी मृतक नाथ से बैंक है,
और मेरे नाम से लाल बिहारी मृतक नाम से आधार कार्ड है, मतदाता सूची में लाल बिहारी मृतक नाम से, हर जगह मृतक मृतक ही आपका उपनाम हो गया। मैं सन 1900 हमारे एक गुरु थे श्री श्यामलाल कनौजिया, वो सोशलिस्ट पार्टी से विधायक रहे, वो इस समय दुनिया में नहीं है। और जब हमारी कुछ मदद हो की है, वो कहे कि देखिए लड़ाई तो नहीं लड़ पाओगे भ्रष्ट व्यवस्था खिलाफ, तुम अपने नाम के साथ मृतक टाइटल जोड़ो, हो सकता है लोग कहने में शर्माएं, इस बात को सुनकर एक समाज को और एक अधिकारी कर्मचारी को व्यवस्था को एक चाटा लगे। तो मैं अपने नाम के साथ मृतक लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कहा यार तुम मृतक तो लिख रहे हो, चलो मृतक संघ बनाओ। तो मैं उस समय उसी सन में मृतक संघ बनाया। कितने लोग जुड़े उसमें? बहुत लोग जुड़े, कई मतलब मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा आए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ये जमीन का मैटर जो है ये जानलेवा है, खतरे का है। कोई आदमी अगर किसी कमजोर को मृतक करता है, मजबूत को मृतक कर नहीं पाएगा भाई। बलि तो शेर की नहीं होती है, बकरी की होती है। शेर को बलि करने चढ़ाने कोई जाएगा तो खुदा वो बलि चढ़ा देगा। तो इसलिए कमजोर व्यक्ति को मुर्दा कर दिया जाता है, जो अनपढ़ हो, कमजोर हो, निसंतान हो, विधवा हो। तो अब उसका पटीदार होगा या गांव का होगा या उस क्षेत्र का बाहुबली होगा। तो इसमें दुश्मनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। कभी भी प्रशासन और न्यायपालिका और कानून के खिलाफ मैं भी मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं किया हूँ। जो भी मैं किया था कड़े शब्दों में किया था, तो इसलिए मैं किया था, मेरी मजबूरी थी, मुझे जिंदा होना था। तो जमीन के किस कागजात से पहली बार आपको मालूम चला था कि आपको मृत घोषित कर दिया गया? देखिए मुझको जब लेखपाल के पास गया तो मुझको नकल चाहिए थी, इसलिए बैंक में उनको देना था। तो उसमें पता चला कि नहीं, ये तो एक लाल बिहारी नाम का था दर्ज, तो वो तो मर गया है। मैं कहा यार मैं तो मैं हूँ फलाना का लड़का, मेरे पिता का नाम चौथी है। तो कहें कि एक लाल बिहारी नाम का है, वो चौथी का लड़का है, वो मर गया है और उसकी जमीन उस मेरे चचेरे भाइयों के नाम चली गई थी। तो इस तरह से मैटर बहुत लंबा चला और अंत में सफल हुई। और सफल के बाद फिल्म भी बन गई कागज, इस कागज में भी सतीश कौशिक ने घपला कर दिया। अच्छा, सतीश कौशिक भी इसमें मेरे साथ है, वो भी मतलब एक समझ जाए एक दूसरा रूप आ गए। एग्रीमेंट के समय उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट कराया इंग्लिश में, मैं विश्वास में था, हमारा उनका 2003 से सिलसिला चलता था। तो मेरा अधिकार है, वो ले लिए पूरा। अब ये पता चल रहा है जब वो रिकॉर्ड मांगा गया है तो अब ये भी एक समस्या पैदा हो गई है, मुझसे लड़ना है भाई। 100, 200 या 1,500 में एक जमीन नहीं कोई लिखा पाता है, सरकारी फीस देनी पड़ती है। 100 रुपये किस्ता में किसी की जिंदगी कैसे कोई लिखा लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ फिल्म मैं तो बहुत अपना एक मूड बना रहा हूँ, देखिए सफल होता हूँ कि नहीं होता हूँ। लेकिन जो फिल्म वाले भी हैं ये भी जनता का शोषण कर रहे हैं, फिल्म जगत के जितने लोग हैं ये गलत कहानी। अगर किसी के कहानी आने जाते हैं तो उसको पैसा नहीं देते हैं, उस कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर लिखते हैं, और अगर नहीं देता है तो उसको काल्पनिक बना देते हैं, उसी को मिलाकर फिर उससे पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक उद्योग हो गया, एक भी एक शोषण हो रहा है समाज में। एक जो गरीबों का मजाक किया जा रहा है, किसी के कहानी पर फिल्म बनाकर पैसा कमाया जा रहा है, देश विदेश में दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक आंदोलन करने की चीज है, समाज को जागरूक करना है कि मतलब यहाँ नहीं हर जगह मतलब वो क्या उसको कहते हैं घाघ कहते हैं, घाघ बैठे हैं। तो मृतक जी आपका असली जन्मदिन कब होता है? देखिए मेरा जन्म तो 6 मई 1955 में हुआ है, लेकिन मैं वो दिन तो नहीं मनाता हूँ खुशी। मैं 2 दिन मनाता हूँ, एक मेरा पुनर्जन्म जिस दिन हुआ था, तो हर 30 जून को जीवित मृतक दिवस मनाता हूँ, पुनर्जन्म दिवस मनाता हूँ 30 जून को, और 30 जुलाई को मृतक दिवस मनाता हूँ। अच्छा, 30 जुलाई को ही क्यों? इसलिए कि मैं उस दिन मर गया था। अच्छा, तो मैं अपने नाम से मेरे जन्म स्थल पर जो मैं जमीन अपने चचेरे भाइयों को दे दिया हूँ, जो अपना जोत वो खा रहे हैं,
तो वहाँ मैं ये बनवा रहा हूँ लाल बिहारी मृतक के स्मृति में जीवित मृतक स्तंभ शिलान्यास हो गया है, मैं इस बनवा रहा हूँ एक समाज को एक संदेश देने के लिए। और जब स्मृति किसी की बनती है तो मरने के बाद ही बनती है, जिंदे लोगों की तो बनती नहीं है। तो मैं तो 30/7/1976 को मर गया था, तो मेरा तो अधिकार है कि मैं उस स्मृति को बनवा दूं, समाज के लोग जाने। तो हर बरस मैं 30 जुलाई को मृतक दिवस मनाता हूं और हर 30 जून को पुनर्जन्म दिवस मनाता हूं। तो मैं आने वाले दिनों में इस 2021 में कार्यक्रम करने जा रहा हूं बड़ा, आप देखिए इसमें कहां तक सफल होता हूं। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, प्रशासन से डर लगती है, प्रशासन भी तो हमेशा खोजता है, कोई अधिकारी खुश नहीं, नेता खुश नहीं है, कोई पार्टी वाले खुश नहीं है, पूंजीपति से हमारा कोई संपर्क नहीं है, अधिकारी भी कोई खुश नहीं है। जिसकी लड़ाई लड़ते हैं वो चलने भर का बेमत नहीं है, वो अपनी बात कह नहीं सकता है, तो उसकी भी बात वो भी हमारी मदद नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी एक समस्या है समाज में कि किससे लड़ा जा, कैसे लड़ा जा, लेकिन अपने बल पर जो करना है कर रहे हैं। और मुझको तो ज़्यादा उम्मीद है कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार का, धोखाधड़ी का, घुसखोरी का जो विरोध कर रहा है उसको या तो नक्सलवादी घोषित कर दें, आतंकवादी घोषित कर दें, कुछ नहीं तो किसी अपराध से घोषित कर दें। तो इस तरह से सिलसिला जो आदमी समाज की आवाज़ उठा रहा है, न्याय की आवाज़ उठा रहा है, सम्मान की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, तो ये समस्या। और सबसे बड़ी समस्या है, अब पहले भी जात बिरादरी को बांटकर अत्याचार किया जाता था, आज भी वही, कोई परिवर्तन नहीं है। तो मृतक जी, आपके परिवार में आपके कितने बच्चे हैं, पत्नी के? देखिए, पत्नी आपके साथ है? मेरे पास 2 लड़की और 1 लड़का। अब लड़के की बात आप पूछ रहे हैं तो ये भी एक बता दूं, एक दर्द है बहुत बड़ी। मेरा बाल विवाह हुआ था और एक तरफ मुझे मृतक कर दिया गया था, दूसरी तरफ मेरे बच्चे नहीं थे, लगभग 17 वर्ष बच्चे नहीं हुए। गांव के लोग, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, यही कहते थे किसका मुंह देख लिया, बझवा का मुंह देख लिया, बझनिया का मुंह देख लिया। तो सुबेरे हम लोग डर के मारे निकलते नहीं थे। तो ये सारे बातें थी। एक और उधर जाए तो कोई भूत कह रहा, कोई शैतान कह रहा, कोई बाँच कह रहा, कोई बाझिन कह रहा। तो ये एक समझ आई कि उस समय ये पोजिशन थी कि न पागल में थे न सही में थे, हम क्या करें। और हमारे ऐसा कायर बुजदिल हथियार उठा नहीं सकता, जो हथियार उठा नहीं सकता, जो न्याय के लिए लड़ नहीं सकता, वो कायर, मैं मानता हूँ कायर है, मैं कायरों में आता हूँ। आपके बच्चों को लोग तंज करते रहे होंगे? 17 बरस के बाद 18वें में हमारी एक लड़की हुई, वो MA BEd है, फिर उसके बाद हमारा लड़का हुआ, फिर वो भी MCOM किया, फिर कुछ दिन के बाद वो सतीश कौशिक के पास चला गया। तो लोग उनको भी चढ़ाते थे। फिर हमारी एक लड़की है उससे छोटी, वो भी MA BEd है। तो हमारे 2 बच्ची, एक बच्चे और अब लड़का का शादी भी हो गई है। जो कागज़ फिल्म बनी है उसमें मुख्य डायरेक्टर के पद पर उसने काम किया है। तो कहने का मतलब है कि परिवार की बातें क्या कहा जाए और लड़ाई में क्या क्या हुआ, मैं उस समय की घटना क्या बताऊँ आपको। अब वो दर्द तो बहुत वो चीज़ जब आती है सामने तो कलेजा कांपता है। और मेरे घर में 4 दिन से फांका हो रहा था और हमारी पत्नी, वो जो जाँता नहीं पीसा जाता है, जब उसको भूख नहीं बर्दाश्त हुई तो जाँते को उठाकर उभार कर उसमें का दाना चुन चुन कर खा रही थी और कोई 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। तो इतनी दर्द छीनने के बाद जब मैं वो देखा, मैं एक दरवाजे से देख रहा था और मैं रो रहा था, वो भी रो रही थी, खा रही थी। तो कहने का मतलब इस तरह से बहुत से दर्द हैं जो कहने के लिए कम है, लेकिन समाज इतना गिरा हुआ है, आज इंसान इतना लालची हो गया है कि भाई भाई को नहीं जानता है,
बाप बेटा को नहीं जानता है, बेटा भाई को नहीं जानता, बाप की यही हालत है, तो क्या कहा जाए, किससे भरोसा रखा जाए, किससे नहीं भरोसा रखा जाए। हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है। कौन इंसान है, कौन शैतान है, कौन दानव है, कौन मानव है, अब ये पहचान करने की जरूरत। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि पहले बचपन में हम लोग कहते थे कि फला गांव में फला बदमाश है, बचपन में कहा जाता था फला गांव में बहुत बड़ा बदमाश है, डाकू है, चोर है। अब तो पूछा जा कि किसी गांव में कोई शरीफ आदमी है ही नहीं है, एकदम उल्टा हो गया। पहले बदमाशों की गिनती होती थी, अब ये पूछा जा रहा कि अब किसमें कौन आदमी सही है, दे नहीं मिल रहा है, एकदम उल्टा होता जा रहा है। तो लड़ाई तो बहुत लंबी है, अभी देखिए क्या होना है। अब हमारी भी उम्र लगभग 66 हो गई है, तो हम भी तो अभी थक ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ सोचते हैं कि और जनता के लिए कुछ करें भलाई। और मैं एक बेंग बोला था, मैं कंकाल हूँ क्या हूँ इंसान, कौन करे इसकी पहचान, जिस देश में मुझे जिंदा हूँ वो है भारत देश महान, भारत देश महान। इसके बाद मैं और कहा था, मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, अमेरिका की संस्था है, वहाँ से मुझे 2003 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था, उसमें मुझसे दो लाइन का मांगा गया था, उसमें सिर्फ लिखा था, मैं कहा था आओ कुछ करके दिखाएं, क्या जब मेरी जान है, हम दौलत नहीं रह जाएगी, एक